पहली बात तो ये, आपको ये पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री का पेपर आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। भाई आप पेपर का पहले ही एनालिसिस कर लोगे, आपको पेपर के बारे में पहले से ही पता होगा, तो उस डायरेक्शन में आप तैयारी करोगे ना। भाई आपको कोई चीज उठानी है तो वो भाई उस डायरेक्शन में जाओगे तभी तो उठाओगे। भाई जैसे मान लो यहां बोतल पड़ी है टेबल पर, मैं इस डायरेक्शन में जाके उठाऊंगा ना कि इधर चला जाऊंगा उठाने के लिए, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है। क्या करना है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, एकदम लक्ष्य पर आपकी निगाहें जमी होनी चाहिए। तो उसके लिए उस प्रोसेस में जो सारी चीजें आती वो आपको पता होनी चाहिए, तो वही समझने की आज हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 50% जो आता है वो 11th क्लास आता है, ठीक है, और 50% अप्रोक्सीमेटली है ये, अब कोई 51-49 भी हो सकता है, 55-45 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 50-50% वेटेज 11th और 12th का होता है। अब हो सकता है कि किसी साल 11th के थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लें, किसी साल 12th के थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लें, लेकिन लगभग बराबर वेटेज है। और आप ये बात मानकर चलो केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर से सवाल आता है, मतलब आपके लिए पॉलीमर का वही सवाल इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का जितना थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट है, जितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है उतना ही क्वालिटेटिव एनालिसिस का इंपॉर्टेंट है, जितना एवरीडे लाइफ का इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। आप यह बात समझ लो, बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं। केमिस्ट्री 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बच्चे एकदम छोड़ के जाते हैं, आपको वो छोड़ने ही नहीं है भाई, क्योंकि वो सवाल आपके कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन से होते हैं, आप देखकर आंसर लगा सकते हो अगर आप पढ़ के गए हो तो। भाई मान लो 2 सवाल है तुम्हारे पास, एक सवाल है जिसका देख के आंसर आ रहा है, एक सवाल है जिसको सॉल्व करना पड़ रहा है, तो ह्यूमन मेंटेलिटी क्या होती है, भाई देख के आंसर आने वाला आसान लगेगा और होना भी चाहिए, नंबर ये भी 4 दे रहा है, नंबर ये भी 4 दे रहा है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 180 में से 180 की, इसका मतलब दोनों सवाल पर फोकस करना है। इस सवाल को कैसे करना, इस सवाल को कैसे करना, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना सारी चीजें। तो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं।